हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माय टॉप 7 वीकली होममेड D10 मास्क, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इजी भी, एंड सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा हाउ मच आई लव होममेड मास्क एंड स्क्रब्स, एंड बेस्ट पार्ट, ये सभी नेचुरल होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट अ लिटिल नोट, कुछ हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, तो पैच टेस्ट ज़रूर करें और अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करने के बाद ही फेस पैक्स लगाएं। टैन की बात हो और दादी नानी के टाइम से यूज़ किया गया बेसन मास्क यूज़ ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इस मास्क को बनाने के लिए लेना है 2 चम्मच बेसन, 1/2 टीस्पून कस्तूरी हल्दी, ये स्पेशली कॉस्मेटिक यूज़ के लिए होती है। अब इसमें डालेंगे 1 स्पून हनी एंड 3 स्पून ऑफ मिल्क। इसे अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट बना लें, फिर एक ब्रश की हेल्प से पूरे फेस और नेक को कवर करें। टैनिंग का सबसे बड़ा कॉज है सन एक्सपोजर। सन हमारी स्किन की सबसे आउटर लेयर को डैमेज करता है। बेसन में क्लेंसिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन टैन और स्किन लाइटन करने में हेल्प करता है, और वहीं हल्दी में होती है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, जो सिर्फ एक्नेज और इन्फेक्शंस को ही नहीं बल्कि पिगमेंटेशन को कम करता है, स्किन को इवन आउट करता है और ब्राइटन भी करता है। इस पैक को 10-15 मिनट्स रखकर वॉश करें। कॉफ़ी जितनी पीने में टेस्टी होती है उतनी ही टैन रिमूवल में इफेक्टिव भी। कॉफ़ी डी टैन मास्क बनाने के लिए 2 टेबल स्पून कॉफ़ी लेनी है, 1 स्पून हनी लेना है और थोड़ा सा लेमन जूस। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप है तो आप इसके बजाय कर्ड भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें और फिर पूरे फेस और नेक पे लगाएं। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इट्स अ ग्रेट एक्सफोलिएंट, ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और साथ ही हनी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और मॉइस्चराइज करता है। एंड लेमन हैज़ नेचुरल क्लेंजिंग एंड ब्लीचिंग इफेक्ट्स। इट हैज़ AHAs जो स्किन की अपर लेयर को एक्सफोलिएट करके टैन को रिमूव करता है। सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल कैन स्किप दिस पार्ट, बट इसके बजाय वो कर्ड भी डाल सकते हैं, उसके भी सेम ही बेनिफिट्स होते हैं। एंड इस पैक को भी आपको 10-15 मिनट्स रखना है एंड देन वॉश इट ऑफ। 2 सबसे इजीली किचन में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स, टमाटर और आलू। बट टमाटर के प्राइसेस आजकल बाप रे आसमान छू रहे हैं, बट इतना भी हमें नहीं लेना है। 1/4 ग्रेट करो और बाकी खाने में यूज करो। साथ में लेना है आलू, इसे भी ग्रेट करना है। आप इस पैक को या तो पल्प के साथ लगा सकते हैं या फिर इसका जूस भी लगा सकते हैं। मैं इसे पल्प के साथ लगाऊंगी। टैनिंग से स्किन डल और लाइफलेस हो जाती है। टमाटर और आलू का जूस एसिडिक होता है और इनमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो टैन को रिमूव करती है। टमाटर में विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन होता है जो नेचुरल एस्ट्रिंजेंट की तरह स्किन को ब्राइटन करता है। बोथ ऑफ देम आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइट फ्री रेडिकल डैमेज इन द स्किन। ये स्किन इन्फेक्शन, रैशेज, एक्नेस, पोर्स को अनक्लॉग करता है, और इन सभी होम रेमिडीज के साथ हमें थोड़ा पेशेंट होना पड़ता है तभी इनके बेनिफिट्स हमें दिखते हैं। और ये आप रोज भी लगा सकते हैं, 5-10 मिनट्स इसे रखें एंड फिर वॉश कर दें। 4th इज ओट्स एंड बटरमिल्क D10 मास्क। इसे बनाने के लिए लेना है 2 चम्मच ओट्स, 1/2 स्पून ऑरेंज पील एंड 3-4 चम्मच बटर मिल्क के। थोड़ी देर सोक करके इसे सॉफ्ट होने दें एंड फिर पूरे फेस और नेक पे लगाएं। ओट्स आर नोन टू बी अ नेचुरल स्किन एक्सफोलिएटिंग एजेंट जो डेड सेल लेयर और डार्क पैचेस को रिमूव करता है। ये स्किन से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है विदाउट मेकिंग स्किन ड्राई। और बटर मिल्क मिल्क के कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रिच होता है एंड इट्स रिच इन लैक्टिक एसिड जो स्किन को लाइटन करता है, टैन को रिमूव करता है और पिगमेंटेशन भी कम करता है। मैंने सोचा था रूम में बैठकर मैं इसे आराम से लगा सकती हूँ, बट देन आई मेड अ मिस्टेक। ऐसे मास्क थोड़े मेसी हो सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, या तो इसे बाथरूम में लगाएं या फिर अगर रूम पे लगा रहे हैं तो नीचे कुछ ना कुछ बिछा दें। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपको ये यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट इज पपाया एंड हनी D10 मास्क। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जो पूरे साल रहता है एंड इट्स अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इस मास्क को बनाने के लिए हम लेंगे छोटा पपाया, उसे अच्छे से ग्रेट करेंगे और फिर उसमें 1 स्पून हनी डालना है और थोड़ा सा नींबू का जूस एंड इट्स रेडी। प-
Papaya is a superfood. It's rich in magnesium, potassium, minerals and vitamins like A, B, C. Papaya में papain नाम का एंजाइम होता है जो स्किन के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और स्किन से डेड और डैमेज सेल्स को खत्म करता है, सन स्पॉट्स को लाइटन और स्किन को ब्राइटन करता है. इट हैज एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज विच हेल्प्स इन ट्रीटिंग एक्नेस, पिगमेंटेशन, ब्रेकआउट्स और स्किन को अंदर से हील करता है. एंड वेन मिक्स विद हनी, ये मास्क एक बहुत ही अच्छा डीटैन मास्क है विद लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें और 10 टू 15 मिनट्स लगाकर वॉश करें. अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ मुल्तानी मिट्टी. इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. इसको बनाने के लिए मैं लूँगी रॉक फॉर्म वाली ऑर्गेनिक मुल्तानी मिट्टी विच इज़ ऑल्सो नोन एज फुलर्स अर्थ. एंड इसमें मैं मिक्स करूँगी फ्रेश एलोवेरा जेल. आप चाहे तो पैक्ड एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं. इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और फिर अपने फेस और नेक को कवर करें. आप कोई भी मास्क लगा रहे हो तो अपनी नेक ज़रूर कवर करें बिकॉज सबसे ज़्यादा एक्सपोज सन में वही होती है. मुल्तानी मिट्टी में क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो पोर्स को अनक्लॉक करता है, एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब और डर्ट, पोल्यूटेंट, गंक को रिमूव करता है, रिजल्टिंग इन क्लियर स्किन. एंड व्हेन मिक्स्ड विद एलोवेरा जेल, ये टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है. एलोवेरा में एलोसन होता है जो स्किन को लाइटन और सनबर्न को ठीक करता है, पिंपल्स, एक्ने को ट्रीट करता है, स्किन को हाइड्रेट और प्रोटेक्ट करता है. लास्ट बट माई करंट फेवरेट, ऑरेंज पील एंड बीटरूट मास्क. इसके लिए 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लेना है. ये मैंने खुद घर पर बनाया था, ऑरेंज के छिलकों को धूप में सुखाकर फिर पाउडर बनाया था. आप भी घर पर बना सकते हैं, फिर रेडी पाउडर भी ले सकते हैं. इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच दूध एंड देन ग्रेट करके डालूंगी बीटरूट विच इज़ ऑल्सो नोन एज चुकंदर. बीटरूट की वजह से इस मास्क का कलर काफी पिंक सा आया है. एंड प्रेफर करें ये आप बाथरूम में ही लगाएं वरना पूरा रूम पिंक हो जाएगा. संतरों के छिलके काफी यूजफुल होते हैं, मैं कभी भी उन्हें फेंकती नहीं हूँ. ऐसे धूप में सुखाकर बाद में उनका पाउडर बना लेती हूँ ताकि मास्क में यूज कर सकूँ. ऑरेंज पील में फ्रूट के कंपैरेटिवली ज्यादा विटामिन सी होता है जो स्किन को ब्राइटन करता है. इसमें हाई एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है विच गिव्स यूवी प्रोटेक्शन. इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो फाइट करता है एक्ने, पिंपल्स का and what not. And just like orange peel, beetroot is high in antioxidants and vitamin C, जो skin को brighten करता है, skin health को improve करता है. And ये mixture milk के साथ एक अच्छा exfoliant बन के tanning को भी निकालता है. इसे 10 to 15 minutes तक अपने face पे लगाए रखें and इसे direct wash नहीं करना है, scrub करना है. I don't know, आपको इसमें difference पता चला कि नहीं, but I can see that instant glow on my face and I'm in love with this detan mask. मैं ज़्यादातर सभी होममेड मास्क मॉर्निंग में लगाती हूँ. उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती हूँ. एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ सनस्क्रीन. नेवर स्किप योर सनस्क्रीन. आपको सबसे ज़्यादा सन से जो प्रोटेक्ट करेगा वो आपकी सनस्क्रीन ही है. एंड टेक अ जेनरस अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन लाइक अ 3-finger rule एंड अच्छे से अपने फेस, अपनी नेक को कवर करें. अगर आपको इनमें से कोई भी रेमेडी पसंद आई हो और आप ट्राई करने का सोच रहे हैं तो डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी. आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक्स. आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.